कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। मशहूर शायर बशीर बद्र की ये शायरी पीएम मोदी और करीमुल हक की इस तस्वीर पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जिस शहर में ये मुलाकात हुई है वो वाकई नए मिजाज का शहर है, जहां इन दिनों चुनावी माहौल है। और इस चुनावी माहौल में अगर किसी से मिल भी लेंगे पीएम मोदी, तो उसे सियासी रंग देने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले बंगाल में ही पीएम मोदी और जुल्फिकार नाम के एक मुस्लिम युवक की मुलाकात हुई थी, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस तस्वीर पर तंज कसा था। अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आपने फोटो देखा होगा, एक मोदी जी के बाजू एक आदमी खड़ा हुआ है, सर पे टोपी है, देखा फोटो आपने? मोदी जी खड़े हैं, सर पे एक टोपी है और उनको कान में कुछ बोल रहा है, देखा ना फोटो आपने? तो मीडिया के लोग हमसे पूछे क्या बोला होगा वो, तो हम बोले तुम सुनोगे? तो बोले बोलो, मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है, कौन है, मैं तो आप जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा, तो उसने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे NRC NPR के लिए। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा होगा उस लड़के ने मोदी जी को, तो उसने कहा, मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा, तो उस शख्स ने कहा, हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप। फिर किसने पूछा और क्या कहा, तो उसने कहा, मोदी जी मैं तो सर पे टोपी पहना हूं, कम से कम आप तो देश की जनता पर टोपी मत पहनाओ, बहुत पहना चुके। पीएम मोदी के एक मुस्लिम युवक के साथ तस्वीर सामने आने पर सियासी बवाल मचा ही था कि शनिवार को पीएम मोदी की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गई। इसमें पीएम मोदी समाज सेवक करीमुल हक से बड़े ही गर्मजोशी के साथ गले मिल रहे हैं। ये मुलाकात उस वक्त हुई थी जब पीएम मोदी चुनावी रैली के लिए बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंचे थे। यहां के बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम मोदी ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित करीमुल हक से मुलाकात की, जिन्हें बंगाल में लोग एम्बुलेंस दादा के नाम से भी जानते हैं। कौन है मोदी से गले मिलने वाले करीमुल हक? पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले करीमुल हक दरअसल जलपाईगुड़ी के एक चाय के बागान में काम करते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं। एक छोटी सी नौकरी करने वाले करीमुल हक की जिंदगी उस वक्त बदल गई थी जब उनकी माँ बीमार हुई और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं और उनकी माँ ने दम तोड़ दिया। उसी दिन के बाद से करीमुल ने कसम खाई कि वो किसी को भी इस तरह से मरने नहीं देंगे। इसके बाद वो अपने गाँव और उसके आसपास के बीमारों को खुद एम्बुलेंस बनकर अस्पताल ले जाने लगे। चाहे ठंड हो, गर्मी हो या फिर बारिश, करीमुल 24 घंटे लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। उनके इसी जज्बे और सेवा से प्रभावित होकर मोदी सरकार ने साल 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। करीमुल हक अपनी बाइक एम्बुलेंस से अब तक करीब 4000 लोगों को बचा चुके हैं। करीमुल हक बीमार, गरीब और वंचित लोगों को अपनी बाइक एम्बुलेंस से मुफ्त में अस्पताल पहुंचाते हैं। करीमुल हक को जो भी आर्थिक मदद मिलती है वो उस पैसे से अपनी एम्बुलेंस में फर्स्ट एड और दवाइयां रखते हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों को शुरुआती इलाज मिल जाए। उनके इसी जज्बे को सलाम करते हुए एक बाइक कंपनी ने उन्हें बाइक एम्बुलेंस उपहार में दी है, जिसके बाद उनका काम और भी ज्यादा आसान हो गया है।